जिसका करियर कभी डीकॉक बर्बाद कर रहे थे उसने ऑस्ट्रेलिया को ही बर्बाद कर दिया। कभी डीकॉक के परछाई में दम तोड़ चुका था करियर, आज साउथ अफ्रीका की रीढ़ की हड्डी है ये खिलाड़ी। आखिर कैसे एक मजबूरी साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत बन गई। स्टोरी ऑफ हेनरी क्लासेन, द राइज ऑफ हेनरी क्लासेन। साउथ अफ्रीका के ही बल्लेबाज हेनरी क्लासेन का तूफान पूरी दुनिया को देख। हेनरी क्लासेन, जी हाँ वही क्लासेन जो बड़े बड़े छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सिर्फ 83 गेंदों पर 83 बॉल्स पर 174 रन की शानदार विस्फोटक ताबड़तोड़ पारी खेली। आजकल क्रिकेट के गलियारों में एक ही खिलाड़ी का नाम गूंज रहा है, हेनरिक क्लासेन, जिन्होंने महज 83 गेंदों में 173 रनों की पारी खेल कोहराम मचा दिया, वो भी दुनिया की बेहतरीन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब वह साउथ अफ्रीका की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, जिसे हर फॉर्मेट, हर सीरीज और हर मैच की प्लेइंग 11 में खिलाना लगभग तय होता है। अब क्योंकि डीकॉक ओडीआई से भी रिटायर हो जाएंगे तो वह ग्लव्स संभालेंगे। उसकी रेपुटेशन एक ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी की बन चुकी है जो शक्ल से जितना मासूम इंसान उतना ही खतरनाक बल्लेबाज। आज देखकर लगता है कि क्लासेन रातों रात स्टार बन गए, उनकी सिर्फ इस एक पारी ने उनका करियर बना दिया। लेकिन 32 की उम्र में ही क्यों, जो क्लासेन इतना जबरदस्त खिलाड़ी है, आखिर इतनी देर से उसको मौका क्यों मिला। हाँ ये सच है कि अब डीकॉक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन एक समय था जब उन्हीं के कारण क्लासेन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनकी परछाई में क्लासेन का करियर दम तोड़ रहा था और फिर एक दिन सारी दास्तां ही बदल गई। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे हुई, तो साल था 2015। दक्षिण अफ्रीका में एक यंग विकेटकीपर बैट्समैन घरेलू क्रिकेट में खूब सनसनी मचा रहा था। साउथ अफ्रीका की लिस्ट ए टीम श्रीलंका का दौरा करने गई थी, उसे इस टीम का कप्तान बनाकर भेजा गया था। वो स्पिन गेंदबाजों का काल था जो बड़ी ही बेरहमी से छक्के मारता, उसका बल्ला चाबुक सा जालिम था, लेकिन जितनी एग्रेशन उसके बैट में थी उतनी ही कामनेस उसके चेहरे पर। न केवल अपनी हिटिंग से बल्कि अपनी विकेट कीपिंग से भी उसने काफी प्रभावित किया। और तो और एक सफल कप्तानी कर श्रीलंका को उसी के घर में उसने मात दी। साउथ अफ्रीका के एनसीए कोच शरद कार्नर्ड उसकी तकनीक, उसकी सादगी से बड़े खुश हुए। उन्होंने तो उसे गरीबों का धोनी तक कह डाला, क्योंकि वह केवल अपनी गेम से मतलब रखता था। कोई स्लेजिंग, कोई गाली गलौज नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस। अंडर 19 के ही दिनों से वो परफॉर्म करता आ रहा था, उसका टैलेंट चीख चीख कर खटखटा रहा था सीनियर टीम का दरवाजा। पर एक दिक्कत थी, साउथ अफ्रीका की टीम में कुंडली मारकर बैठे थे क्विंटन डीकॉक, जो एक जबरदस्त बल्लेबाज तो थे ही, लेकिन उनका ग्लव वर्क भी अल्टीमेट था। उनके रहते क्लासेन का कोई चांस ही नहीं बन रहा था। वक्त बीतता गया, वो बस चुपचाप अपने बल्ले के साथ अपनी अलग ही दुनिया में थे, वो क्रिकेट की अपनी कड़ी तपस्या में लीन थे। तभी 2018 में भारत दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट, ओडीआई और टी20 सीरीज खेलने आया था, और दक्षिण अफ्रीका अपने खिलाड़ियों की चोटों से बहुत परेशान था। पहले डेल स्टेन, फिर एबी डिविलियर्स इंजरी के चलते बाहर हुए। मगर टीम को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब उसके कप्तान फाफ डुप्लेसी भी चोटिल हो गए। तब उस 26 साल के युवा का नाम अचानक से साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में आ गया। ये खिलाड़ी थे हेनरिक क्लासेन, जिन्हें खिलाने की अभी भी सेलेक्टर्स की कोई रुचि नहीं थी, वे अभी भी टीम में पानी ही पिला रहे थे। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका की फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक की भी कलाई टूट गई। उन्हें तो बस इंतजार था इस लम्हे का जो उसे हरी जर्सी में खेलने का अवसर दे, और आखिरकार सीरीज के तीसरे ओडीआई में उसका डेब्यू हुआ। यहां उसे मौका मिला अपने हीरो एबी डिविलियर्स के साथ खेलने का, जिसके जैसा बनने का वो हमेशा से ही सपना देखा करता। हालांकि अपने पहले मैच में वह केवल 6 रन बना सका, लेकिन अगले ही मैच में उसने बड़ी ही कुशलता से एक हारा हुआ मैच साउथ अफ्रीका को जिता दिया। कुछ ही रोज बाद टी20 में भी उसने अपना डेब्यू किया, और अपने दूसरे ही मैच में उसकी दहशत दुनिया ने देखी। उसने अपने पीक पर चल रहे चहल को ही निशाने पर लिया, 12 बॉल 5 छक्के, उसके खिलाफ 43 रन लूट लिए 2 ओवर में। 30 गेंदों में 69 रन बनाकर एक बार फिर उसने दक्षिण अफ्रीका को एक यादगार मैच जिता दिया। लेकिन खुशी की बजाय दुख इस बात का था कि कोटा सिस्टम और डीकॉक की वापसी उसे टीम में रहने नहीं देगी। कप्तान फाफ भी वापसी कर रहे थे, और बस जिसका डर था वही हुआ। इन दिग्गजों के आते ही क्लासेन का टीम से अंदर बाहर होना शुरू।
उन्हें कंसिस्टेंट रन मिल ही नहीं रहा था, जो कि उनके टैलेंट के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। 2019 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका सिर्फ एक विकेट कीपर को अपने स्क्वाड में रखकर खेला, मगर क्लासेन को कोई मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ अपना पहला ओडीआई सेंचुरी बना दिया। इसके बावजूद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 2021 T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खिलाया गया। कोई और प्लेयर होता तो अभी तक हार मान चुका होता, परंतु क्लासेन ने एक शब्द नहीं बोला और जो भी इक्का दुक्का मौका मिला उस पर परफॉर्म किया। लेकिन फिर 2022 में समय चक्र वापस से घूमकर उसी घटनाक्रम पर आ गया, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 में क्लासेन ने 81 रन ठोक दिए। एक बार फिर चहल को मैदान के चारों ओर छक्के जड़े। इस पारी का कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि अब क्लासेन को ओडीआई में थोड़े और मौके मिले। उन्होंने भी खूब रन बनाए और कई बार कई अप एंड डाउन के बाद उन्हें मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में हुई सीरीज में, जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। जहां पहले 25 गेंद में क्लासेन 24 रन पर खेल रहे थे, उसके बाद एक ऐसी आंधी आई जो ऑस्ट्रेलिया को उड़ा कर ले गई। मात्र 83 गेंद, 174 रन, 13 चौके, 13 छक्के। जहां डेविड मिलर के साथ उन्होंने सिर्फ 92 गेंदों में 222 रनों की पार्टनरशिप लगा दी। और तो और एडम जाम्पा को भी इस कदर कूटा कि उनके 10 ओवर में 113 रन पड़े। इस पारी के बाद उन्हें दुनिया भर में खूब वाहवाही और शोहरत मिली। ये क्लासेन की मेहनत और नेवर गिव अप एटीट्यूड का ही नतीजा रहा, जो कि वह दुनिया में अपनी पहचान तो बना ही पाए, साथ ही डीकॉक के साए में होने के बावजूद उन्होंने अपना करियर भी बनाया, जो किसी वक्त असंभव सा हो चुका था। विल पावर हो तो ऐसी, जो कि असंभव को भी संभव कर दिखाए। तो ये था हेनरी क्लासेन का एक मजबूरी से ताकत बनने तक का सफर, जिसे प्लेइंग 11 में खिलाना अब उनके कप्तान की मजबूरी हो चुकी है। परफॉर्म करो तो ऐसा कि कोई चाह कर भी आपको गिरा ना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।